अस्सलाम वालेकुम, नानी नवासी चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए आज हम बर्गर बनाते हैं चिकन और आलू के। तो ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, इसको बॉईल कर लिया है। इसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा तेल में बॉईल कर लिया है। अब ये ककड़ी ली है मैंने, थोड़ी प्याज ली है, ये टमाटर लिए, ये गाजर लिए और ये थोड़ी सी प्याज डालेंगे मसाले में। ये थोड़े धनिया है, ये लाल मिर्ची है, हल्दी पाउडर, काली मिर्ची, जीरा पाउडर और ये घर का गरम मसाला। ये पुदीने की थोड़ी चटनी बना लेते हैं उसके साथ, बर्गर के साथ खाने। तो ये पुदीना लिया है मैंने, ये धनिया लिया है और ये नींबू का रस लिया है थोड़ा, और ये थोड़ा सा लहसुन, ये थोड़ी अदरक और नमक और हरी मिर्ची, इसको पीस लेते हैं हम मिक्सर में। कला लिया है, इसमें मैंने थोड़ा ब्रेड का भूका डाला है पीस के और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाला है। सब बनाइए टिक्किया उतने आटे में, बटाके के इतने मावे में मेरी इतनी टिक्की बनी है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं हम। तेल डाला है मैंने थोड़ा, फिर तेल गरम है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी टिक्किया तल लेते हैं। हींग रह के इसको पलटा लेते हैं, इसके मसाला अच्छे से हम ये अच्छे से लाल हो जाती है तो फिर काट लेते हैं।
देखिए इसको काट लेते हैं। अब हो गई है अच्छी लाल, लाल अच्छी हो गई है, तो काट लेते हैं सब। दूसरी भी इस तरह से तल लेंगे। अब ये भी हो गई है, तो काट लेते हैं हम इसको भी। ये भी तले गई है सब। बर्गर इस तरह बनाए, आजकल के बच्चे ऐसा ऐसा खाते हैं तो वो वजह से बनाया है। तो जैसा आवे ऐसा देखिए आप भी बनाकर। अच्छा लगे तो नानी नवासी चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।